हेलो दोस्त, मैं अरविंद मीणा, चंडीगढ़ टेक्नीशियन कैंडिडेट। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम रेलवे उप मिनिस्ट्री गए थे तो वहां से क्या रेस्पॉन्स मिला वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया गया। फिर भी रेल आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रेलवे उप मिनिस्ट्री की तरफ से जो जवाब मिला उसके अकॉर्डिंग हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा और सभी का यही विचार है कि रेलवे ने हम लोगों से टाइम मांगा है तो हम लोगों को रेलवे को टाइम देना चाहिए, लेकिन हमें चुप नहीं बैठना है क्योंकि जो रणनीति बनाई जा गई है उसके बारे में बता दूं कि रेलवे को हमें 15, 20 या 25 दिन का टाइम देना चाहिए। वहाँ से जो जवाब मिला उसके अकॉर्डिंग तो जो 15-20 दिन का टाइम है उस टाइम में हमें घर पर नहीं बैठना, हमें काम करना है कि सभी बोर्ड के कैंडिडेटों को अपने अपने RRB जाकर विजिट करना है, जहाँ जहाँ से जितनी जितनी डिमांड आई है वहाँ से उन पैनल निकलवाना है, उनके ऊपर प्रेशर बनाकर ताकि हम जब नेक्स्ट प्लान बनाएंगे तो मिनिस्ट्री के लिए तो वो सफल होए, वहाँ से निराश होकर कोई भी वापस ना आए। क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया तो हम उस जवाब के अकॉर्डिंग ये प्लान बनाया है। तो RRB चंडीगढ़ का प्लान बनाया गया है 23 तारीख को विजिट कर रहे हैं RRB चंडीगढ़, जिसका वो लीड करेंगे साहिल और परविंदर, उन दोनों के उनसे संपर्क कर लीजिए। और कुछ लड़कों के मन में इस प्रकार का भी डाउट आएगा कि सबको RRB चंडीगढ़ भेज रहा है या खुद नहीं आ रहा, तो सोचने वाले सोच भी लेंगे, नहीं सोचने वाले नहीं भी सोचेंगे, लेकिन किसी इंसान की मजबूरी भी होती है। क्योंकि मैं 4-5 दिन तक तो दिल्ली रहकर आया, उसके बाद मैं तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ऐसी हो गई, और अभी सितंबर के महीने में मिनिस्ट्री का और प्लान बनाना है जिसमें सभी को भाग लेना हो। तो सभी बोर्ड के कैंडिडेटों से यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी अपना काम करवा ले, और जितना जल्दी हो सके उतना अपने RRB विजिट करके जितनी जितनी डिमांड हुई उतना का तो पैनल निकलवा लें प्रेशर बना के। और बाकी बातें हैं जो तो आप लोगों को बताई दी, और इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो RRB चंडीगढ़ विजिट कर रहे हैं साहिल और परविंदर, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, इनको समझा दिया कैसे लीड करना है, क्या ये क्या नहीं है। और कुछ बातें और भी है जो RRB चंडीगढ़ की तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि एक RTI आई थी, और तो वो RTI सही या गलत है मैं खुद इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो गया। उसमें 675 लड़कों की डिमांड हुई थी, उसमें डीजल मैकेनिक की टोटल 68 सीटें हैं, जबकि मैंने बड़ोदरा हाउस विजिट किया तो वहाँ पर 104 लड़कों की डिमांड है, जबकि NR के अंदर चंडीगढ़ जम्मू और इलाहाबाद आता है। तो जैसा कि डीजल की जो सीटें हैं इतनी तो वैकेंसी वहाँ पर जम्मू में है 3 बचा ये चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में तो मैं 68 लड़कों की बताई जा रही है, और इलाहाबाद का कुछ पार्ट आता है तो इलाहाबाद में भी ऐसा बताया जा रहा है कि कैटेगरी नंबर 37 नहीं है, जबकि इलाहाबाद में कैटेगरी नंबर 37 नहीं है तो उसकी डिमांड वहाँ कैसे जाएगी। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गया, या तो RTI पर विश्वास करूँ या फिर वो जो खुद की आंखों के से देखा उस पर विश्वास करूँ। वहाँ पर बड़ोदरा हाउस हेड क्वार्टर में एक तो मैं और एक प्रेम और एक रिंकू प्रजापत, हम तीनों गए थे, हमने खुद की आंखों से देखा। उसके बाद में भी RTI में एक और कैटेगरी के बारे में पूछा गया था, कैटेगरी नंबर 30 करंट ड्राइवर वाली, RTI में तो 10 पोस्टें बताई जा रही है, और जबकि वहाँ पर जो डाटा दिखाया गया उसमें 4 पोस्टें बता रही है। मतलब कि ये कन्फ्यूज कर दिया, तो हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना, जब तक कुछ मतलब इस तरह से सभी बोर्ड के कैंडिडेट इन पैनल नहीं हो जाए वहाँ तक आप लोगों को भी नहीं बैठना है। जितना हो सके कीजिए, अपने स्तर से प्लान बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने अपने बोर्ड का, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो मैं इस वीडियो में दे दूंगा, जो नए कैंडिडेट हैं वो इसमें जुड़ जाइए। और RRB चंडीगढ़ में जो लीड कर रहे हैं परविंदर और साहिल, हाँ तो इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर RRB विजिट कीजिए, और वहाँ से उनके ऊपर प्रेशर बनाइए जितना जल्दी हो सके पैनल उतना जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें सितंबर के महीने में भी मिनिस्ट्री का प्लान बनाना है। तो यही कहना चाहता हूँ, और कुछ और भी बातें हैं तो अगले वीडियो में बताई जाएगी। जैसा कि कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे कि मेरे पास प्रूफ है मल्टी स्किल्ड का लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई प्रूफ तो जहाँ के जहाँ इधर रह जाएंगे प्रूफ, रेलवे खुद नियम बनाती है और रेलवे खुद नियम तोड़ती है, रेलवे का उनके पास खुद का अधिकार है।
हाँ, तो प्रूफ, हमें प्रूफ पर इन पे कोई भरोसा नहीं करना, क्योंकि आरटीआई है। हाँ, तो आरटीआई के जैसे प्रूफ हैं, तो इस चीज़ के लिए तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमें जहाँ तक नहीं रुकना, जहाँ तक सभी बोर्ड के सभी कैंडिडेट इन पैनल नहीं हो जाए, वहाँ तक हम लोगों को चुप नहीं बैठना। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ये सारा काम करवाना है। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी अपने अपने आरआरबी विजिट कीजिए ग्रुप बनाकर, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैनल निकलवाइए। बस इतना सा कहना चाहता हूँ, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो चंडीगढ़ बोर्ड के कैंडिडेट हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। जितनी अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचोगे, उतना ही बेहतरीन परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई भी ये मत सोचना कि वो चला जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, वो जा रहा है। सिर्फ एक बात सोच लो, आप कोई जाए या नहीं जाए, लेकिन मेरे को जाना है, मेरे को जॉब की ज़रूरत है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। ये बात सोच के घर से निकलो। अब आ गया है वक्त घर से बाहर निकलने का। और अगर जितना जो सोचोगे तो उतना ही लेट करता जाएगा। रेलवे उनके स्तर से काम करेगी, ना कि हमारे सोचने के, ना हमारे, हम सिर्फ प्रयास करेंगे और ये प्रयास सफल भी होगा। जितना जल्दी हो सके सभी बोर्ड के कैंडिडेट अपने अपने आरआरबी विजिट कीजिए, और जितना हो सके उतना जल्दी पैनल को निकलवाइए। प्रेशर बना के, प्रेशर बनाना ये नहीं कि वहाँ पर जाकर दादागिरी दिखाना। हाँ, अपन लोगों को अपना अपनी समस्या बता के हाथ जोड़ के अपन को काम निकलवाना है। इतना सा कहना चाहता हूँ, और कोई समस्या हो तो बताइए। और मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसी ही है, 4-5 दिन तो मैं पहले रह आया और काफ़ी समस्या आ रही है, इस वजह से नहीं आ पाऊँगा। लेकिन साहिल और परविंदर अच्छी तरह से लीड कर लेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं ज़रूर घर से जितना हो पाएगा आप लोगों की मदद करूँगा। इतना सा कहना चाहता हूँ, कॉल ज़रूर कीजिए वहाँ पहुँचने के बाद में। और चंडीगढ़ विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन और आरआरबी चंडीगढ़ के बीच में एक पार्क आएगा। सुबह 10 बजे सब वहीं मिलिए, और जो लड़के दूर से वो पास के, वो जितनी स्ट्रेंथ रहेगी अच्छा रहेगा, अच्छा जवाब देखने को मिलेगा। क्योंकि आरआरबी चंडीगढ़ की खासियत एक है कि वो एक दो लड़कों को तो वैसे ही भगा देते हैं। हाँ, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचो, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।